गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो हमारी सेकंड इकाई है अधिगम संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली कक्षा में जो है हमारे अधिगम संसाधन के अंतर्गत जो है बोर्ड के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उनके बारे में बताया था। यानी कि जब हम बच्चों को कोई भी शिक्षण प्रदान करते हैं तो हम उसके अंतर्गत जो है उस शिक्षण को और आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग करके बच्चों को जो है पढ़ाई के प्रति या शिक्षण के प्रति जो है आकर्षित कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से हम संसाधन का उपयोग करते हैं उनके बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जो हमारे जो बोर्ड होते हैं वो कैसे किस कौन कौन से होते हैं तथा कौन सा बोर्ड किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है, जिससे कि बच्चों को जो है पढ़ाई या शिक्षण के प्रति अधिक जानकारी मिल सकती है। तो आज हम हमारे अधिगम संसाधन के अंतर्गत जो है प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रोजेक्टर आप लोग सभी जानते हैं कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को जो है पढ़ाई के प्रति और अधिक रुचिकर, उस पढ़ाई को और रुचिकर बनाने या बच्चों को उस पढ़ाई के प्रति या शिक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए जो है विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के जो है संसाधनों का उपयोग करके उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें वर्तमान शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रोजेक्टरों का यूज बहुत ही किया जाने लगा है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को चित्र दिखा करके या फिर वीडियो दिखा करके जो है उन्हें हम
वीडियो दिखाते हैं तो उसमें बच्चे जो है अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा उसे स्वयं से समझने में जो है अपनी समझ जो है स्वयं विकसित करते हैं, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो सकती है। तो ये हमारा था एलसीडी के लाभ की। जब हम शिक्षण में या रसायन विज्ञान के शिक्षण में एलसीडी का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं। फिर देखिए हमारा, अब देखिए जब हम एलसीडी का यूज करते हैं तो इसमें हमने पहला पढ़ा था कि इमेज जो छोटी इमेज होती है उसको बड़ा करके देखने में जो है एलसीडी का
में देखिए।